हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे लड़के पहली मुलाकात में ही किसी भी लड़की को पटा लेते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, हर इंसान के अंदर ना कोई एबिलिटी, कोई ना कोई काबिलियत ज़रूर होती है जिसके बेसिस पे लोग उन्हें पसंद करते हैं या उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसे लड़कों के बारे में बताने वाली हूँ जो किसी भी लड़की को पहली मुलाकात में ही इम्प्रेस कर लेते हैं, जिसकी वजह से लड़की उस लड़के के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा लीजिए जिससे जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो फ्रेंड्स देखो, अगर आपके अंदर ये काबिलियत है या ये चीज़ है कि आप किसी भी लड़की की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हो, मतलब कि उनकी लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करते हो, तो लड़की आपके इस चीज़ को देखकर बहुत जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। क्योंकि दोस्तों बहुत से लोगों में ना ये समझ नहीं होती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होती है। उनका नेचर क्या होता है कि वो अगर किसी लड़की से बात कर रहे हैं या कोई लड़की उनमें इंटरेस्ट ले रही हो तो बहुत ज़्यादा उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने लगते हैं या उनकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी करने लगते हैं। ये चीज़ लड़कियों को पसंद नहीं होती है। और लेकिन वहीं पे अगर आप ऐसे हो कि आप जो है दूसरों की प्राइवेसी में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करते हो, ताक झाँक नहीं करते हो, तो इस नेचर की वजह से लड़कियाँ बहुत जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं। दूसरा तरीका होता है कि जब आप किसी लड़की से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो पहली मुलाकात में, कि अगर आप एक तरह से अपना पहला इंप्रेशन छोड़ना चाहते हो, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, अगर आप पहली मुलाकात में किसी लड़की को इम्प्रेस कर पाए तो वो लड़की हमेशा आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए तैयार रहेगी। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा आर्ग्यूमेंट या वो ज़्यादा सोचेगी नहीं क्या मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इसीलिए आपके अंदर ये चीज़ भी होनी चाहिए कि आप जो है किसी पे भी ज़्यादा फोर्स ना करो कुछ भी काम करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपका रिलेशनशिप है तो आपकी गर्लफ्रेंड आपसे मिलने के लिए मना कर रही है या आपके साथ घूमने नहीं जा सकती, जो भी है कोई भी सिचुएशन हो, तो उस दौरान अगर आप उनकी प्रॉब्लम को समझते हो, अंडरस्टैंड कर पाते हो, मतलब कि उसको फोर्स नहीं करते हो, तो इसकी वजह से लड़की का इंटरेस्ट या उसका प्यार आपके लिए और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको करनी है। और वहीं अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को फोर्स करोगे या बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करोगे, ठीक है, एक तरह से उन पर प्रेशर डालोगे, तुम्हें आना ही है, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, इस तरीके से बोलोगे, तो वहाँ पे क्या है कि आपकी बनी बनाई बात भी बढ़ सकती है। हो सकता है कि वो आपसे दूरियाँ बनाना शुरू कर ले, आपको इग्नोर करना शुरू कर दे। तो ये चीज़ भी आपको मेंटेन करनी है जिसकी वजह से लड़की आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। नेक्स्ट जो है कि अगर आप अपने करियर पे फोकस करते हो या जो आप अपने आगे लाइफ में करना चाहते हो, ठीक है, जो अचीवमेंट आप पाना चाहते हो, ठीक है, लड़की के साथ साथ अगर आप इस चीज़ पे भी फोकस करते हो तो इसकी वजह से भी लड़की आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। क्योंकि दोस्तों जब कोई लड़की किसी लड़के को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होती है तो वो उसके लुक से ज़्यादा उसके इस चीज़ को नोटिस करती है कि आप अपने करियर को लेकर कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, कितने ज़्यादा सीरियस हो। क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टाइम का रिलेशनशिप हो तो उसमें जो है आपकी जो फाइनेंशियली जो सिक्योरिटी है, एक तरह से आपका फाइनेंशियली फिट होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सिर्फ प्यार से आप जो है अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं बिता सकते, प्यार के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अपनी लाइफ में करनी होती हैं। तो इसीलिए जब कोई लड़की आपसे पहली बार मिल रही है तो उस टाइम पे आपको उसे ये भी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं कि आप अपने करियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।